जी आज जो है ना हम चल रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले दो ऐसे टैग्स थे जो आप यूज़ करते रहेंगे बीच में, ठीक है। एक इसमें पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूल्स, ठीक है। इसकी जो टैग है वो शॉर्ट में एब्रीवेशन लिखी हुई है HR। अच्छा, ये एलिमेंट किस लिए यूज होता है? इज यूज टू सेपरेट कॉन्टेंट और डिफाइन अ चेंज इन HTML पेज। जो आपका वेब पेज डिस्प्ले हुआ है उसके अंदर जहाँ चेंज लाना चाहते हैं वहाँ पे बाज़ अवकात हमें ज़रूरत पड़ती है HR इसकी, हॉरिजॉन्टल रूल की। हॉरिजॉन्टल होता ही इस तरह, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। एंड इज मोस्ट ऑफन डिस्प्लेड हैज अ हॉरिजॉन्टल रूल। द HR टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग। मतलब है कि ये इसका जो एंड वाला जो टैग है, जैसे हम बाकी में लगाते हैं दूसरे जो जितने टैग कोडिंग्स हमने टैगिंग की है उसमें स्लैश के साथ एंड करने के लिए उस कोड को दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन जो HR टैग है इसके लिए मतलब एंड टैग है ही नहीं। सिर्फ आप HR यूज़ करोगे वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हमने एक पैराग्राफ लिया हेलो वर्ल्ड, मतलब एक लाइन ले ली, एक कोई भी वर्ड ले लिया, यहाँ पूरा एक लाइन ले लिया, उसके बाद हमने इसके नीचे दे दिया HR। ये होता क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाती है बाजों का, तो एक होता है अंडरलाइन, ये अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, याद रखना। एक टेक्स्ट हमने हेडिंग दे दी पूरी उस पेज पे, मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप कह लें, पूरी एक लाइन उस पेज पे खींच जाएगी, वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। ये टैग भी आप यूज़ करोगे प्रैक्टिकली, हम इसको करेंगे फिर आपको और समझ आ जाएगा। आ जाए फिर संभालेंगे। अच्छा जी, वेब पेज बनाते हुए हमने एक ये चीज़ यूज़ करते हैं बाज़ों का, कुछ जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि जी यहाँ पे एक लकीर होना चाहिए, बाद में नीचे हम वेब पेज पे दूसरे कॉन्टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के तौर पे, जी मुख्तलिफ चीज़ें हम वेब पेज पे डाल रहे हैं टेक्स्ट पे जब काम कर रहे होते हैं खासतौर पर, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है हमारे पास दूसरी, लाइन ब्रेक्स। लाइन जो आप लिखोगे, पैराग्राफ जो लिखोगे, आप चाहते हो कि जो दूसरी लाइन में लिख रहा हूँ वो सेपरेट उस पे आए, ये हमें HTML को बताना पड़ता है कि भी ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ये पहले वाले के साथ ना आए, एक नेक्स्ट मतलब लाइन से वो शुरू हो, उसके लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ता है जिसको पेज ब्रेक का नाम दिया है यहाँ पे HTML ने, HTML BRL में डिफाइन एज लाइन ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने जी, एक वेब पेज पे मैंने पहला हेडिंग दिया एक उसके एजुक्राफ्ट का, उसके नीचे मैंने एक लाइन लगा दी पूरी जो HR हमने पहले प्रीवियस डिस्कस किया वो हो गया। अब हमने एक और लाइन दे दी जी, दिस इज माई कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं लाइन अगर दूसरा एक और लिख देता आई एम डूइंग, फिलहाल इसको आप कंसिडर ना करें, ठीक है। यहाँ पे आई एम डूइंग डिप्लोमा हेयर ये डाल दिए तो ये क्या होगा, ये इसके सामने ही लिखा हुआ आ जाएगा वेब पे जब हम रन करेंगे तब। लेकिन इन दोनों लाइनों को लिखने के बीच में हम ये टैग अगर लिख दें BR, जो लाइन ब्रेक टैग है हमारा, तो वो HTML क्या करेगा, उस वेब पेज पे ये लाइन पहले यूज़ करेगा, उसके फौरन बाद इसको नेक्स्ट उस पे डाल देगा लाइन पे। क्यों हमने इन दोनों के बीच में एक टैग डाल दिया जो ब्रेक के लिए होता है, पेज ब्रेक सॉरी अपना लाइन ब्रेक, तो वो सेपरेट उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये दो टैग हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आगे हम जब करेंगे तो उन वहाँ पे हम जहाँ भी इनको यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, इसलिए मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से पहले ये दो टैग्स आपको समझा दिए। ये तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, दो चीज़ें आप लाइन दोगे या जो लाइन है जहाँ जितनी लाइनें लिख रहे हैं हम उसमें, अगर हर लाइन के बाद आप यहाँ दो चार लाइन के बाद आप दूसरे लाइन शुरू करना चाहते हो तो आप ये BR यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये बहुत सारे टैग्स हैं हमारे पास, टैग्स हैं HTML के जो फॉर्मेटिंग जब हम कर रहे होंगे टेक्स्ट पे काम कर रहे होंगे HTML के, तो वहाँ पे ये टैग मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो, इटैलिक हो, वर्ड एक्सेल वगैरह में आप कर चुके होंगे ये चीज़ें, लेकिन यहाँ इनके लिए HTML के अंदर टैग्स है, वहाँ आप आइकॉन्स और माउस के थ्रू करते थे जी, बोल्ड पे क्लिक के लिए हो गया, इटैलिक पे इस तरह, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक टैग होता है। तो सबसे पहले है एग्जांपल्स, ये हैं इसके फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, वर्ड डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, ये स्पेशल इफेक्ट्स भी उनको कह सकते हो। टेक्स्ट तो एक सिंपल आपने टाइप कर दिया वो अपने जो डिफॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन आप उसको बोल्ड, इटैलिक, स्मॉल,
ठीक है, या मार्क करना चाहते हो, या ये जो ऑप्शन है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये करना चाहते हो, तो इसके लिए ये टैग्स हैं। बोल्ड का आपको पता है मतलब, जहाँ आप वो टैग्स लिख रहे हो उस टैग्स के शुरू में और उसके एंड में ये टैग लगा दोगे, बीच में वो टेक्स्ट होगा, वो आपका पूरा जो है ना वो बोल्ड हो जाएगा। अगर ये बी मैंने या इस बोल्ड के बीच में लगा दूंगा और वहाँ पे लगा दूंगा, ये टेक्स्ट मेरा डिफॉल्ट में रहेगा, सिर्फ ये बोल्ड जो है ना वो बोल्ड हो जाएगा। क्यों? ये जो टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग बोल्ड के लिए, ये हम इसके बीच में सिर्फ लगाया है। अब मैंने इस पूरे लाइन के लिए लगाया तो ये पूरा लाइन बोल्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ भी जहन में रखना। बाज़ों का हम लिखते हैं ना कि जी एक लाइन लिख दिया, उसमें एक वर्ड को चाहते हैं हम जी वो सिर्फ बोल्ड नजर आए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वर्ड के शुरू और आखिर में हम सिर्फ ये बोल्ड का जो टैग है लगा दिए करेंगे। बाज़ों का हम पूरे लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या होगा, उस लाइन के शुरू में और आखिर में ये बोल्ड का टैग लगा देंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग के लिए भी ये एक भी फॉर्मेट है, स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑप्शनल है, ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन एक टैग है ये भी फॉर्मेटिंग के अंदर, तो इसको भी मैंने यूज़ कर दिया। जब इसको करेंगे प्रैक्टिकली और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इटैलिक के लिए सिंबल उसी तरह यूज़ किए जी, बोल्ड है उसका पहला वर्ड बी है, तो उन्होंने बी यूज़ कर दिया एज अ टैग, डिफाइन कर दिया प्री डिफाइन। इटैलिक के लिए आई है, ठीक है, और ये एम्फेसाइज है, ये भी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्मॉल टेक्स्ट एक प्री डिफाइंड एक नॉर्मल साइज में वो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली वो उसको असाइन कर देगा, ये पूरे टेक्स्ट के लिए या इस पूरे वर्ड के लिए, ये इसको आप स्मॉल में कन्वर्ट करके वेब पेज पे डिस्प्ले कर दें, ठीक है। अच्छा, ये है मार्क। अब मार्क क्या है, ये मार्क कर देगा इसको, आप इसको सेपरेट कलर में कर सकते हो, ये एक तरह से कह सकते हो आप मार्क करना मतलब उस पार्टिकुलर टेक्स्ट को या पार्टिकुलर वर्ड को वो सेपरेटली हाईलाइट कर देगा, ठीक है। ये भी कम ही यूज होता है, लेकिन हो सकता है आपके जहन में ऐसे आइडियाज आए या ऐसे वेब पेज पे आप ऐसी जगह पे आए कि आप चाहते हो कि यार यहाँ पे ये पोर्शन मेरा सेपरेटली हाईलाइट होना चाहिए, तो ये एक टैग है एचटीएमएल का जो हम यूज कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। वही है इसका भी एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे जी, एक हमने लाइन लिख दिया, एजुक्राफ्टर्स इज अ कंप्यूटर अकेडमी। अब ये हमारे लिए एक एजुक्राफ्टर इंपॉर्टेंट, हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हाईलाइट होना चाहिए, तो इस वर्ड के स्टार्टिंग और हैंड पे हमने मार्क वाला टैग यूज कर दिया। बाकी वर्ड बाकी जो लाइन है वो पूरी नॉर्मल जैसे बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होता है वैसे ही होगा, सिर्फ एजुक्राफ्टर क्या होगा वो मार्क होके आएगा, आपका हाईलाइट होके आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक फंक्शन और सॉरी टैग यूज होता है इसमें एचटीएमएल डिलीट, जो आपके कीबोर्ड्स वगैरह भी शॉर्ट पे लिखा होता है, एलिमेंट डिफाइंस टैग्स दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, ब्राउजर विल यूजली स्ट्राइक अ लाइन, उसके ऊपर एक लाइन खींच देगा, थ्रो डिलीटेड टैक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये लाइन यूज किया, एक एजुक्राफ्टर इज अ स्कूलिंग, फिर साथ में कंप्यूटर एकेडमी। अब वो हमारा एजुक्राफ्टर क्या है जी, ये कंप्यूटर एकेडमी स्कूलिंग नहीं है, तो स्कूलिंग के शुरू और आखिर में मैंने डिलीट का वो डाल दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि जी ये एजुक्राफ्ट अकेडमी हमारा एक कंप्यूटर सेंटर है, स्कूलिंग का नहीं है, तो वो उसको एक स्ट्राइक इसके ऊपर लगा देगा ऊपर बीच में, कि ये समझो वर्ड डिलीट एक तरह से, ये आप इसको कंसीडर ना करें। तो कुछ जगहों पे हो सकता है आपको वेब पेजेस में ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उस टैग को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा है हमारे पास इंसर्ट का, डिलीट के बाद इंसर्ट है। अच्छा, इसमें भी इसी तरह है, वो हाईलाइट करेगा उसको, यहाँ पे आपने उसको वही सेम मैंने वर्ड यूज़ किया ताकि आपको क्लियर हो, यहाँ जो कैरेक्टर में इसको स्कूल को इसने स्ट्राइक कर दिया जी, ये गलत वर्ड है, इंसर्ट करना है कि कंप्यूटर जो है ये सही वर्ड है, उसको वो अलग से सेपरेट हाईलाइट कर देगा, ग्रीन कर देगा कि ये सही वर्ड है स्कूलिंग, ये इसको स्ट्राइक करके हटा देगा, ये डिलीट है। मतलब ये मजीद आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा, अभी आप इन टैग्स को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पहले भी फर्स्ट लेक्चर में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट शुरू में फॉर्मेटिंग वाला एक सेक्शन आ रहा था, उसको मैंने बताया था, तो इसमें वही है जी, केमिस्ट्री के हम फार्मूलाज वगैरह पढ़ते थे स्कूल में, जी ओ के ऊपर जो स्क्वायर आता है उस तरह से, तो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं, सबस्क्रिप्ट नीचे हो गया, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर हो गया, ये भी हम प्रैक्टिकली डालेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाए।